लोड नहीं किया है उन सभी छात्रों को मैं ये बताना चाहता हूं कि यथाशीघ्र वो ऐप को डाउनलोड कर ले ताकि उनको सारी सुविधाएं मिलने लगे। एनीवे, हम लोग इस सीरीज में, इस श्रृंखला में 1997 से लेकर 2018 तक एसएससी में कॉमन एरर में नाउन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसको आप इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि नाउन पर आधारित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 1997 से लेकर 2018 तक जब मैंने विश्लेषण किया तो लगभग 150 क्वेश्चन ऐसे निकल कर आए जो कि नाउन या नाउन से संबंधित बातों से पूछे गए थे। तो उन्हीं का ये वीडियो का आपको है जो कि नाउन से संबंधित सारा है। तो यदि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कर ले, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ नाउन चैप्टर वाइज, और ये 1997 से 2018 तक जो पर्टिकुलरली नाउन पर आधारित प्रश्न थे वो पूछे गए हैं और क्वेश्चन आस्क इन एसएससी। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन या जितना भी नाउन से आधारित क्वेश्चन होगा तो यहां हम लोग किसको सीखेंगे जरा दूसरे तरीके से। वाक्य में जहां जहां नाउन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि उस नाउन का प्लेसमेंट ग्रामर के लॉजिक के हिसाब से सही है या नहीं, और यदि नहीं सही है तो उसको सही करने का कोशिश करेंगे। तो हम पहले नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे और लॉजिकल वे में उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे पहले वाक्य में यदि नाउन हम देखते हैं तो मार्क जो है वो एक नाम है, इससे वाक्य का शुरुआत हो रहा और वर्ब के पहले आ रहा है, ओन वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो मार्क एक नाउन है, नाउन नंबर वन है। आगे कहता ऑल ऑफ द अवार्ड, अब अवार्ड भी एक नाउन है इस वाक्य के लिए, दूसरा नाउन है और इसको पहचान हम लोग यहां से भी कर सकते हैं कि द के बाद ये आ रहा है यानी आर्टिकल के बाद आ रहा है तो ये नाउन होगा। आगे कहता है फॉर द कैटेगरीज, अब फिर यहां पर द लगा हुआ है, द के बाद कैटेगरीज है तो ये नाउन नंबर थ्री है। और आगे कहता है इन विच ही वॉज नॉमिनेटेड, तो यानी कि इसमें नाउन कोई भी नहीं है, ये प्रोनाउन है हम लोगों का, प्रोनाउन है जो कि नाउन का सब्स्टिट्यूट है, तो यहां पर ये मार्क के लिए ही का प्रयोग किया गया है तो सही है। तो ये नाउन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, अब एरर आइडेंटिफाई करें। अब यहां पर मार्क में तो कोई गलती है नहीं क्योंकि ये नाउन है, ठीक है ना, और इसके साथ ये वर्ब है। अब यहां पर लिखिए अवार्ड है, अब हम लोग एक जानते हैं कि ऑल ऑफ द या ऑफ द के पहले यदि इनडेफिनिट प्रोनाउन लगा हुआ हो तो ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल होता है और प्लूरल इन नंबर होता है, जबकि ऑफ द के बाद यहां अवार्ड को सिंगुलर लिखा गया है तो ये गलत है, यहां पर अवार्ड के जगह पर अवार्ड्स होना चाहिए था, तो ये एरर है। तो इसमें दो नंबर एरर है। अब यहां पर कैटेगरी जो है वो प्लूरल इन नंबर में लिखा गया है, तो कैटेगरी एक काउंटेबल नाउन है जिसको आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह से लिख सकते हैं, तो ये सही है। तो देखिए नाउन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और इसके साथ ये बातें हम लोगों ने कर ली, तो इसमें दो नंबर में गलती है, अवार्ड की जगह पर अवार्ड्स होगा। क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं, इसमें भी नाउन पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन कहाँ कहाँ है। यहां पर प्रोटीन्स जो है वो एक नाउन है हम लोगों का, आर प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर्स जो है ये क्या हो जाएगा बताइए, प्रोवाइडर्स कहने का मतलब हो गया देने वाला, प्रदान करने वाला, तो ये भी एक नाउन है, दूसरा नाउन ये भी है। आगे कहता ऑफ एनर्जी, एनर्जी फिर से ऑफ के बाद आ रहा है तो तीसरा नाउन है। आगे कहता इन एन इमरजेंसी, एन यानी कि आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये इमरजेंसी आ रहा है तो ये भी एक नाउन है, तो ये चौथा नाउन हो गया हम लोगों का। एंड आर प्राइमरली यूज्ड एज, एज के बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है तो ये हम लोगों का नाउन का रूप दिया हुआ है, पांचवा नाउन है। फिर फॉर के बाद ग्रोथ दिया हुआ है, ये नाउन नंबर सिक्स है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी नाउन आएगा, तो नाउन नंबर सेवन है। उसके बाद आके कहता है ऑफ के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है तो अंतिम शब्द नाउन होगा, तो नाउन नंबर एट है। यानी इस प्रश्न में कुल मिलाकर आठ नाउन का प्रयोग किया गया। प्रोटीन्स में तो
कोई गलती नहीं, ये सब्जेक्ट है। प्रोटीन्स जो है प्रोवाइडर से प्रदान करने वाला है, कई तरह से प्रदान करता है, तो ये भी सही है। एनर्जी जो है ऊर्जा के रूप में दिया गया है, तो ये भी सही है। इन एन इमरजेंसी एन लगा हुआ तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा, तो यह भी सही है। यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉकिंग, अब ब्लॉक जो है ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको जेरंड बनाकर हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी एक जेरंड का रूप है, तो जेरंड के बाद जो भी रूप आएगा दो जेरंडियल नाउन का प्रयोग एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो नाउन के शुद्ध रूप का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ब्लॉकिंग के जगह पर ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक वर्ब भी होता है, याद रखिएगा। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि बिल्डिंग ब्लॉक जो है एक कंपाउंड नाउन की तरह काम करता है, और बिल्डिंग ब्लॉक का अगर हिंदी निकालिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा, महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग हो जाएगा, हिस्सा या अंग हो जाएगा। तो यहां पर ब्लॉकिंग के जगह पर ब्लॉक होगा, यानी दूसरा नंबर में ये गलती होगा। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये सिंगल वर्ड है तो नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी नाउन है, ये भी सिंगुलर इन नंबर है, ये भी सिंगुलर इन नंबर है। ऑफ के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड है तो प्रीपोजिशन के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है, तो अंतिम शब्द नाउन होगा। अब यहां पर मेनी लगा हुआ है, मेनी के साथ यदि काउंटेबल नाउन लगाते हैं तो वो प्लूरल इन नंबर होगा, तो टिश्यूज जो यहाँ पर लिखा गया है वो सही है, यानी कि सारा एनालिसिस कर हम लोग निकाल लिए कि इसमें दो नंबर गलत है। तो इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान रहे हैं, और सारा यदि आप कर लीजिएगा तो बड़े आसानी से कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब कर पाइएगा। ऐप पर बने रहिए, हर तरह की सुविधाएं मिलते रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर माई बेस्ट विशेज आर, यहाँ पर वर्ब है आर, आर के लिए ये विशेज जो है वो नाउन है और इसके लिए एडजेक्टिव का रूप है, तो ये विशेज जो है वो हम लोगों का नाउन है। आर ऑलवेज विथ यू, यानी सिर्फ एक ही नाउन है, और चूंकि नाउन का चैप्टर है तो एरर हम नाउन से ढूंढ रहे हैं, तो यदि कुछ भी गलती होगी तो ये नाउन में होगा, तो विशेज में गलती होना चाहिए। तो विश का मतलब जो होता है, यदि नाउन की तरह हम कहते हैं तो विश का मतलब होता है इच्छा, और यदि इसका प्लूरल हम बना देते हैं, विशेष बना देते हैं, तो इसका मतलब निकल जाता है शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। और शुभकामना लिखने के लिए इसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, विशेष यूज करते हैं, तो यहाँ पर विशेष लगा हुआ है, और गौर कीजिएगा कि प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और प्लूरल की तरह उसको प्रयोग भी करते हैं, यही एक कारण है कि इसके साथ जो वर्ब है वो आर प्लूरल इन नंबर लगा हुआ है, यानी कि दोनों एलिमेंट, यानी कि नाउन को प्लूरल की तरह लिखा जाएगा और प्लूरल की तरह प्रयोग किया जाएगा, तो ये वन भी सही है और टू भी सही है, तो इसमें नो एरर निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये सब देखिए नीचे आपका दिया हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको चेक भी अपने एंड से चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर है जस्ट बिफोर द सन, यहां पर नाउन है, द के बाद आ रहा है, ऑलराइट। यू विल सी द डॉन, डॉन भी एक नाउन है हम लोगों का, डॉन का मतलब होता है, ये नाउन नंबर 1 यहां यूज किया गया है, ये नाउन नंबर 2 यहां यूज किया गया है। डॉन का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण जो सुबह में निकलती है, द फर्स्ट रे विच कम्स आउट इन द मॉर्निंग, उसको कहते हैं डॉन, या इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं अहले सुबह, सबसे सुबह जिसको कहते हैं, या सवेरा, तो डॉन कहते हैं, तो ये भी नाउन है, ठीक है ना। अब डॉन नाउन है, द के बाद लगा हुआ आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहां पर देखते हैं बिफोर जो है वो एक प्रीपोजिशन है, और यदि इसको हम लोग लेते हैं यहां से यहां तक, तो द सन राइजेस, यानी उस केस में जो लिख दिया हुआ है वाक्य में, सन जो है वो नाउन है और राइजेज जो है उसके लिए वर्ब है, तो नाउन और वर्ब मिलकर एक सेंटेंस बन जाएगा। और प्रीपोजिशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि प्रीपोजिशन के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है।
तो ये जो द सन राइजेस कंप्लीट सेंटेंस है इसको नाउन के रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे सन राइजेस को, तो इसका नाउन के रूप में यदि हम लोग कन्वर्सन करते हैं तो ये हम लोगों का नाउन जो बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा द सन राइज। सन राइज का मतलब होता है सूर्योदय, जस्ट बिफोर द सन राइज यानी सूर्योदय के पहले यू विल सी द डॉन यानी कि सूरज की पहली किरण देखोगे, तो सनराइज इसी का जो शाम होता है उसके लिए सनसेट नाउन की तरह करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में डूबता है, तो वहां पर द सन सेट्स ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा जहां पर सन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और सेट्स जो है वो वर्ब की तरह काम करेगा। चलते चलते एक बात और बता दो, डॉन का मतलब जो होता है वो अहले सुबह होता है और इसका जो दूसरा अर्थ आता है अपोजिट आता है वो डस्क होता है। डस्क का मतलब होता है गोधूली का बेला, डस्क का मतलब होता है गोधूली का बेला, जो शाम का समय होता है उसको डस्क बोलते हैं, बेला यानी डॉन टू डस्क। जैसे यदि हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली द फार्मर्स वर्क राइट फ्रॉम डॉन टू डस्क, तो डॉन टू डस्क जो है एक फ्रेज के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक, द लगा हुआ है और द लगा हुआ है और द के बाद ये कंपाउंड नाउन जो आ रहा है रोमन चर्च, ये नाउन नंबर 1 है और कैथोलिक्स यानी कि ईसाई धर्म में दो तरह के ग्रुप होते हैं, कैथोलिक्स होता है एक प्रोटेस्टेंट्स होता है, तो कैथोलिक समुदाय के जो लोग हैं उनके चर्च की ये बात की जा रही है। अब द के बाद है तो ये नाउन है, ऑफ के बाद ये आया है यानी प्रीपोजिशन के बाद तो ये आया है। आगे कहता है वन ऑफ द प्रीसियस इंस्टीट्यूशंस यानी यहां पर ये नाउन नंबर 3 है। तो अभी पहले क्वेश्चन के संदर्भ में कहें कि ऑफ द के बाद यदि नाउन आ रहा है तो अंतिम शब्द नाउन होगा, तो ये नाउन है, सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं, और ये काउंटेबल नाउन यदि है तो प्लूरल इन नंबर होना चाहिए। अब इसका यदि एडजेक्टिव के साथ संबंध लगाइएगा नाउन के साथ, तो ऑफ द के बाद आने वाले नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव लगाया जाना हो तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा, तो यहां प्रीसियस को यदि सुपरलेटिव डिग्री में बदलिएगा तो मोस्ट प्रीसियस हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऑफ द के बाद अंतिम शब्द जो होगा नाउन होगा और उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, और वैसे नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाना हो, वैसे नाउन के पहले मतलब ऑफ द के बाद जो नाउन आ रहा है अंतिम शब्द, उस नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाना हो तो वैसा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होगा, इसलिए प्रीसियस के जगह पर मोस्ट प्रीसियस का प्रयोग किया जाएगा और इस आधार पर इसका आंसर जो है नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये कहता है आई हैव चेक्ड दिस, अब यहां पर मंथ जो है वो एक नाउन है और कैलेंडर जो है ये दूसरा नाउन है, इसके ऊपर कोई नाउन नहीं है। अब ये दो नाउन जो हैं इकट्ठे आ गए हैं और ये आपस में मिलकर कंपाउंड नाउन नहीं बनाते हैं और दोनों नॉन लिविंग थिंग है, तो बड़ा सिंपल सा बात है कि दो नाउन यदि एक साथ आ रहे हैं और यदि वो कंपाउंड नाउन नहीं है तो पहला नाउन के पहले एपोस्ट्रोफीस लगाकर उसको पॉजिटिव केस में बदल दिया जाता है, तो मंथ के ऊपर में एपोस्ट्रोफीस लगाकर मंथ्स कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे का रहस्य यह है कि मंथ तो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन डे हो गया, मंथ हो गया, इन सब के नाम के ऊपर में एपोस्ट्रोफीस लगाया जाता है, ये सुविधाएं ग्रामर ने प्रदान की है, इसलिए मंथ के ऊपर में एपोस्ट्रोफीस लगाकर मंथ्स कैलेंडर कर देंगे और इसका आंसर 3 निकलकर चला आएगा, तो हो जाएगा आई हैव चेक्ड दिस मंथ्स कैलेंडर, नंबर 6 का ये आंसर हो जाएगा। नंबर 7 में आते हैं आई हैव रिटन अ लेटर यानी नाउन नंबर 1 यहां है, फॉर द इशू यानी कि द के बाद ही आ रहा है तो दूसरा नाउन यहां है। आगे कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स,
तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। कई दफा नाउन जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करने लगता है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, या दोनों मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना रहा है, ये भी आप कर सकते हैं कि ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड नाउन है। तो लेटर के पहले ए लगा हुआ है तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, और नाउन प्लस नाउन के पहले ऑप से जुड़ा हुआ है, तो ऑप से जब दो नाउन जुड़ा होता है तो सामान्यतः पहले नाउन के पहले द लगाया जाता है, तो यहां भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इक्विपमेंट्स के विषय में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये होता है कि इक्विपमेंट्स का प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, इक्विपमेंट्स को हमेशा हम सिंगुलर की तरह लिखते हैं और इसका प्रयोग भी सिंगुलर की तरह करते हैं, तो यहां पर इक्विपमेंट्स के जगह पर इक्विपमेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत से नाउन से आप परिचित हैं, जैसे इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि 150 क्वेश्चन जब आप करिएगा ना तो आपके नजरिया बड़े स्पष्ट हो जाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सा चीज महत्वपूर्ण है, ये आप सॉर्ट आउट कर कर निकाल लीजिएगा और आपका के दिमाग में क्लैरिटी होगा कि यदि नाउन चैप्टर से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उसका प्रारूप क्या रहा है, उसका फॉर्मेट क्या रहा है, तो उस तरह से आपका माइंड जो है वो ओरिएंट हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका आंसर जो है वो 3 नंबर निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दिस शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। अब इस वाक्य में दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है, तो इसके साथ अंतिम शब्द जो होगा वो नाउन होगा, यानी मेंटेलिटी जो है वो नाउन नंबर 1 होगा। अब दिस यहां पर सिंगुलर इन नंबर है तो मेंटालिटी भी सिंगुलर इन नंबर है, क्योंकि दिस के विषय में हम लोग अगर जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिंगुलर इन नंबर होता है तो इसके साथ लगने वाला नाउन सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है। आगे कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब यहां पर टाइम्स जो है वो नाउन नंबर 2 है हम लोगों का, ऑलराइट, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी मानसिकता की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। लीड्स यहां पर वर्ब है, टू अनडिजायर्ड लॉस, टू प्रीपोजिशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो अंतिम शब्द नाउन होगा, तो ये नाउन नंबर 3 हो जाएगा, और एंड से जुड़ा हुआ है तो डिसअपॉइंटमेंट, ये नाउन नंबर 4 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में सिमिलर और रिलेटेड मीनिंग दे रहे हैं, लॉस एंड डिसअपॉइंटमेंट। लॉस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डिसअपॉइंटमेंट भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा हो गया और लॉस का मतलब क्षति हो गया या हानि हो गया, तो दोनों मास नाउन भी कह सकते हैं। तो ये ग्रामेटिकल केमिस्ट्री के अनुसार सही है, ये ग्रामेटिकल केमिस्ट्री के अनुसार सही है। तो यदि गलत कहीं कुछ होना है तो ये टाइम्स पर होना है, लेकिन ये टाइम्स भी गलत नहीं है, क्योंकि इस टाइम्स का मतलब हो गया कि दफा जिसको कहते हैं या बार कहते हैं, दफा या बार कहते हैं, टाइम्स को प्लूरल की तरह बना देते हैं, यानी अधिकांश समय, अधिकांश बार जिसको कहते हैं, ये समय समय वाला समय नहीं कह रहे हैं, 1 2 3 4 वाला टाइम्स हो गया। हाउ मेनी टाइम्स यू अपीयर, तो आप कहते हैं 3 टाइम्स, यानी 3 बार 3 समय पर आप अपीयर किए हैं, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द के बाद जो ये टाइम्स लगा हुआ है ये प्लूरल इन नंबर, ये सही है। लेकिन यदि समय को दर्शाने के लिए बाय द वे टाइम का प्रयोग किया गया होता या किया जाता तब वो गलत था। जैसे कहते हैं कि अधिकांश समय, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव वॉर्न्ड यू, यानी अधिकांश समय में मैं तुम्हें चेतावनी दिया है, तो वहां पर टाइम समय की तरह कर रहे हैं, तो मोस्ट का प्रॉपर्टी यह भी होता है कि इसके बाद ऑफ द आने के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, तो यहां पर काउंटेबल नाउन की तरह टाइम्स का प्रयोग किया गया है और यह सही है। तो इसका आंसर जो है वो 2 नंबर निकलकर चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है माई फ्रेंड, ये नाउन नंबर 1 है और इसी के बगल में साहिब लिखा हुआ है, नाउन नंबर 2 है, यानी पहले नाउन के विषय में यह दूसरा नाउन कुछ कह रहा है। तो यदि टर्म के दृष्टिकोण से हम इसको देखें और कहें तो दूसरे नाउन को हम लोग नाउन इन अपोजिशन कहेंगे। अब यहां पर है वन ऑफ द बेस्ट
अब ऑफ के बाद या द के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है, तो अंतिम शब्द ये नाउन होगा, तो ये नाउन नंबर 3 है। और इन द, फिर द या प्रीपोजिशन के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है, तो ये नाउन नंबर 4 हो जाएगा। अब ये फ्रेंड सिंगुलर है, इसीलिए नाउन इन एपोजिशन में एक ही व्यक्ति का नाम है सिंगुलर, साहिब, तो नाम में तो ऐसे भी कोई गलती नहीं होगा। ऑफ और द लगा हुआ है, ऑफ द के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा, तो अंतिम शब्द नाउन होगा, जो काउंटेबल इन नंबर होगा और प्लूरल इन फॉर्म होगा, तो प्लेयर्स हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ऑफ द के बाद आने वाले नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका आंसर जो है वो 2 निकल कर चला आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मिसेस गुप्ता, ये प्रॉपर नाउन है हम लोगों का, नाउन नंबर 1 है। इनवाइटेड ऑल हर, हर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन आता है, तो ये नाउन है, जिसको कि नाउन नंबर 2 कहेंगे। इसको आप कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं, इसको आप हाइफनेटेड नाउन भी कह सकते हैं, इसको आप नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी से आप कुछ कहते रहिए, एप्लीकेशन समझना है। टू द, टू के बाद ये ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है, तो अंतिम शब्द ये नाउन हो गया, नाउन नंबर 3 हो गया। और लास्ट संडे, अब यहां पर संडे जो है ये फिर से नाउन का रूप तो दिख ही रहा, प्रयोग अलग किया गया, अभी मैं बताऊंगा क्या होगा। अब ये पार्टी नाउन है, तो इसके लिए ग्रैंड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। तो गुप्ता तो नाम है, इसमें कोई गलती नहीं होगा, तो ये सही है। हाइफनेटेड नाउन, प्लूरल इन नंबर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यदि हाइफनेटेड नाउन प्लूरल बनानी हो, तो पहले नाउन पर एस लगता है, दूसरे नाउन पर नहीं। इस हाइफनेटेड नाउन के लिए नाउन नंबर 1 है, ये नाउन नंबर 2 है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस हाइफनेटेड नाउन। तो कभी भी किसी हाइफनेटेड नाउन का यदि प्लूरल बनाना हो, तो पहले नाउन पे एस लगता है, जो कि हम लोगों ने यहां से काट कर यहां लगाया, दूसरे नाउन पर नहीं लगता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि यदि किसी हाइफनेटेड नाउन का पॉजिटिव केस बनाना होता है, तो ये पोस्टोफियस दूसरे नाउन पर लगता है। यदि इसी डॉटर इन लॉ का पॉजिटिव केस बनाना होता, तो यहां पर हो जाता लॉ के ऊपर में पोस्टोफियस लगता, लॉज हो जाता। अब यहां पर लास्ट संडे में, संडे तो नाउन है, लेकिन इस पूरे वाक्य के लिए ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी ये दोनों जो है एडवर्बियल फ्रेज आप कह सकते हैं। लास्ट समय का बतला रहा है कि व्हेन इनवाइटेड, तो व्हेन का आंसर यदि मिल जाए तो वो एडवर्ब है, तो लास्ट संडे, तो ये संडे नाउन है लेकिन एडवर्ब के फ्रेज के अंदर में लगा हुआ है, और दोनों शब्द मिलकर एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर 2 नंबर चला आएगा। तो ये हम लोगों की पहली कड़ी थी जिसके ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे। दिस वॉज आवर फर्स्ट स्लाइड जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम लोग नाउन का अप्रोच लेकर चल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेगी। आप ऐप डाउनलोड कर ले और ये सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगी, जिससे कि आप लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।